आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मंगलवार को सिकंदरा स्थित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 और निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिल कर्मचारियों और इंजीनियरों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने एकजुट होने की बात कही। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज उत्तर प्रदेश में सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने राजधानी लखनऊ सहित सभी जनपद व परियोजना मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन दिया। इसी को देखते हुए सिकंदरा स्थित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी। आज हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन हो रहा है, जो भारत सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ला रही है, जिसमें विद्युत की जितनी भी कंपनियां हैं उसका प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार का इरादा है। इसलिए इसका हमारा आंदोलन है कि प्राइवेटाइजेशन करना जो जनता के हित में नहीं होगा, प्रदेश के हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लायंसेस एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आज देश भर में 15 लाख बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 पर केंद्र शासित प्रदेशों व उड़ीसा में निजीकरण के विरोध में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जो सरकार द्वारा ये कोरोना रूपी संक्रमण काल का लाभ उठाकर, क्योंकि इस समय हम लोग बैठकर या कोई ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर और ये चुपके जो निजीकरण का एक चक्र रच रही है, उसका हम आज विरोध के रूप में सिर्फ ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इन्होंने जो नोएडा में प्राइवेटाइजेशन किया और आगरा में जो प्राइवेटाइजेशन किया, ये दोनों पूर्ण रूप से विफल हो चुके हैं। और उस यहाँ पर जितना जनता का शोषण किया जा रहा है आगरा में, उससे ज़्यादा जब ये सभी जिलों का अन्य जिलों का या ग्रामीण अंचल का जब हो जाएगा निजीकरण, तो निश्चित रूप से ग्रामीण जनता का शोषण होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन में आए कर्मचारियों का कहना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को संसद में पारित कराने व दक्षिण विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की एक तरफा कोशिश हुई, तो सीधा कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए केंद्र व राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आज की जो हम ध्यान आकर्षण सभा जो कर रहे हैं, ये हम माननीय हमारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे इस कोरोना काल में जहाँ पे एक तरफ विद्युत अभियंता कोरोना वॉरियर के रूप में उभरे हैं, उन्हीं को उनके घर से अलग करते हुए निजीकरण की तरफ बढ़ा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिससे केवल और केवल उपभोक्ता का शोषण होना है, किसानों का शोषण होना है, इससे केवल और केवल निजी घरानों को ही लाभ पहुंचना है। जैसा कि आज की जो सभा हो रही है, ये पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 लाख विद्युत कर्मचारी अधिकारी सभी लोग हर राज्य में सभा कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी व जूनियर अभियंता और अभियंताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।